नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा झूठ पकड़ लिया है और प्रूफ के साथ कर दिया है उस बड़े झूठ का पर्दाफाश। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ सब कुछ बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे आखिर बहुजन समाज पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का कौन सा झूठ पकड़ा है और किस तरीके से प्रूफ के साथ किया है पर्दाफाश। आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको पूरी खबर, पूरा मामला विस्तारपूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने COVID-19 के दौर में, कोरोना काल के दौर में अपने विधायक व सांसदों को एक साफ सीधा निर्देश ये दिया था कि आप कोरोना काल के इस दौर में जनता की, यूपी व देश की जनता की हर संभव मदद करने की कोशिश करें, प्रयास करें और प्रयास ये भी करें भारतीय जनता पार्टी जो राज्य सरकार है उसकी आर्थिक रूप से भी मदद करें, जिससे कि जो सरकार है वो गरीबों की मदद कर सके, उस पैसे की आर्थिक रूप से भी मदद करने का भी निर्देश दिया था। जब मायावती ने ये निर्देश दिया था तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का धन्यवाद किया था। ये बात हम नहीं बोल रहे, 4 अप्रैल को ये ट्वीट किया था और इसमें साफ साफ लिखा था, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ प्रदेश सरकार के अभियान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को सहयोग दिए जाने के निर्देश पर उन्हें धन्यवाद दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल है योगी आदित्यनाथ जो ऑफिस का, जो माई ऑफिस जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया था, उससे साफ साफ लिखा गया था माया योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने मायावती के इस फैसले का धन्यवाद किया है, मायावती के इस निर्देश का धन्यवाद किया था। यानी जब मायावती ने निर्देश दिया था भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का, अपने विधायकों को भारतीय जनता पार्टी व जनता की मदद करने का निर्देश दिया था, तब योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद दिया। और उस मायावती के निर्देश को आज योगी आदित्यनाथ क्यों भूल गए हैं, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले हम आपको इस बात को बोलने से पहले एक भाषण सुनाना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये भाषण सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना के दौरान क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपके बीच आए थे? क्या बहन जी आई थी? सीएम योगी आदित्यनाथ का ये भाषण आपने सुना, उन्होंने जो कुछ बोला वो आपने सुना, आप समझ गए होंगे क्या झूठ बहुजन समाज पार्टी ने पकड़ लिया है। बहुजन समाज पार्टी ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ मायावती की बुराई कर रहे हैं, मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल में मायावती के विधायक व मायावती आगे क्यों नहीं आई। तो योगी आदित्यनाथ ने लगभग कोरोना काल में 4 अप्रैल 2020 को क्यों मायावती का धन्यवाद किया, जब मायावती आगे आई नहीं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद ही क्यों किया, यह सवाल यहां पर खड़ा होता है। इस झूठ को पकड़ लिया है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं जो आकाश आनंद ने इस झूठ को पकड़ लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ट्वीट किया था, मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल खंड में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बहन जी और दिल्ली व इटली वाले भाई बहन कहाँ थे। तो इस ट्वीट को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा आक्रोश छाया बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। सोविन कुमार जो बहुजन समाज पार्टी समर्थक हैं ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखते हैं और एक स्क्रीनशॉट प्रूफ के साथ करते हैं, कोरोना से लड़ाई में आगे आई बसपा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया धन्यवाद, ये वाला स्क्रीनशॉट अपने ट्वीट के नीचे लिखते हैं, साझा करते हुए ट्वीट करते हैं, इसीलिए दुनिया तुम लोगों को झूठा कहती है, बहन जी के 1 करोड़ देने पर कोरोना कालखंड में तुम खुद ही फ़ोन करके बहन जी को धन्यवाद बोलते हो और यह ट्विटर पर झूठ बोल रहे हो कि कितने बड़े प्रदेश के मुखिया बने बैठे हो और शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। साथियों, ये सब तंज कसाया बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने माया जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन पर। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एक मुख्यमंत्री सूचना परिसर का जो प्रेस नोट है उसको साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, कोरोना काल में फेल भाजपा सरकार की
अवस्था में मचा हाहाकार में बहन मायावती जी ने बीएसपी के कार्यकर्ताओं को यूपी की जनता की देखभाल व उनके यथासंभव सहयोग के लिए निर्देश किया और बसपा के हर सिपाही ने पूरी ताकत से काम किया। आपका यह सवाल भाजपा की असफलताओं का सबसे ताज़ा उदाहरण है। ये तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सब बातें बोलते हुए ट्वीट करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। और जो मुख्य सूचना जो भारतीय जनता पार्टी जो पत्र सूचना शाखा मुख्यमंत्री सूचना परिसर का जो प्रेस है उसमें क्या क्या लिखा है हम आपको बता दो। उसमें साफ साफ लिखा है कि मायावती का बहुत बहुत धन्यवाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मायावती ने निर्देश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने मदद करे व प्रदेश की जनता की मदद करे। पर साथियों आज सीएम योगी आदित्यनाथ मायावती जी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि मायावती जी क्यों नहीं आई। जब मायावती जी आगे आई नहीं कोरोना काल में तो 4 अप्रैल 2020 को क्यों मायावती को धन्यवाद किया था, यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है। और ये झूठ पकड़ते हुए आकाश आनंद है जो मायावती के भतीजे वो बोलते हैं, लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कुछ और भी याद दिला दूं, ये आपके ही शब्द हैं, जहां आपने आदरणीय मायावती को कोरोना के विरुद्ध अभियान में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया था, क्या अब भी आप पूछोगे कि हमने क्या किया या अब आप बताएंगे कि आपने क्या किया। आकाश आनंद ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा तंज सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा है और मायावती जी ने जो निर्देश दिया था अपने विधायकों को जनता की मदद करने का उस निर्देश का भी याद दिलाया है आकाश आनंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को। ये बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का पकड़ लिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ का पकड़ लिया है बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती से डटी हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा व अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, अमित शाह ने भी जो गृहमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो उन्होंने मायावती जी पर लगाया था कि जल्दी से रैलियां करें, ठंड आ गई, ये हुआ वो हुआ, ठंड गर्मी बाद जो अपशब्द बोले थे मायावती को, अपमान किया था, ये शब्द काफ़ी ज़्यादा निंदाजनक थे। आकाश आनंद ने तब भी अमित शाह को जवाब दिया था। तो साथियों मायावती जी पर जो भी तंज कसा जा रहा है या बहुजन समाज पार्टी पर तंज कसा जा रहा है, तो अब बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी हैं वो अब जवाब देने लग गए हैं, क्योंकि अब सभी जो जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, चाहे मायावती के आकाश आनंद जो भतीजे हैं वो ले लो, वो सभी अब सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और वो देखभाल रहे हैं आखिर कौन क्या बोल रहा है बहुजन समाज पार्टी प्रति। बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ने कोरोना काल में काम किया, फिर भी आरोप क्यों लगाया जा रहा है, इसका जवाब देने लग गए हैं मायावती जी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बड़े बयान पर। आप कमेंट में राय देना, मायावती ने मदद की फिर भी मायावती की बुराई क्यों, ये सवाल खड़ा होता है, इसके बारे में कमेंट में राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।